आज की जो क्लास हमारी है सीएसए में, उसमें हम रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि रजिस्टर्स जो है वो मेमोरी का एक पार्ट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यानी कि ये डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। पिछली कक्षाओं में हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में भी जाना था, जिसमें दो एंड गेट या नैंड गेट मिला करके हमने फ्लिप फ्लॉप्स बनाए थे। फ्लिप फ्लॉप भी दो तीन टाइप के हमने देखे थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप आदि हमने देखा था। तो उन फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही रजिस्टर बनाया जाता है। और अगर हमारा कोई सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे कैश मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स या रजिस्टर्स ही होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्टर की डेफिनेशन। अगर देखा जाए तो रजिस्टर की डेफिनेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन ही होता है, यानी एक रजिस्टर में अगर मल्टीपल बिट्स स्टोर हो रहे हैं तो एक बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप होगा। ए फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर सिंगल बिट डिजिटल डेटा फॉर स्टोरिंग लार्ज नंबर ऑफ बिट्स। द स्टोरेज कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ग्रोइंग मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप। अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है तो उसमें एक से अधिक फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप का एरे बना करके हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एन बिट का स्टोरेज चाहिए तो एन बिट के स्टोरेज में एन रजिस्टर्स आपको लगेंगे, एन फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को फ्लिप फ्लॉप की संख्या बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। रजिस्टर्स का यूज किया जाता है डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, क्योंकि रजिस्टर की ऑपरेशन जो है वो फास्ट होती है, इसकी स्पीड तेज होती है। जैसे रैम बढ़ाने से हमारे सिस्टम की स्पीड तेज हो जाती है, या कैश मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर से बनी होती है और उनकी स्पीड जो होती है वो काफी तेज होती है। रजिस्टर्स का फायदा काफी है हमको। आप देख पा रहे हैं कि रजिस्टर से फेच करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको देने होते हैं। कुछ फेच के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ डिकोड के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और लगभग हर टाइप की जो डिवाइस है उसमें आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एक छोटे माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, एक मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के साथ कंट्रोल यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। तो जितने भी मेमोरी डिवाइसेस आपके पास उपलब्ध है, जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन का जो स्क्रीन में भी एक पीछे इसका एडाप्टर लगा होता है, डिस्प्ले एडाप्टर बोलते हैं, वो भी मेमोरी का ही एक एरे होता है। रजिस्टर्स और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो एक एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर, हमारे पास कई टाइप के रजिस्टर होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि रजिस्टर्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ बेसिकली एक डायग्राम से दिखाया गया है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विच आर एज फॉलोज। पहला जो रजिस्टर टाइप है जिसको प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, ये एक लॉजिक रजिस्टर होता है। दूसरा है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर का काम होता है नेक्स्ट एड्रेस या प्रोग्राम काउंटर में अगले एड्रेस को देना या एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। इसके बाद अगला जो रजिस्टर का टाइप है उसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इस रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन के डेटा को स्टोर किया जाता है। एक होता है टेम्पररी रजिस्टर जिसका यूज किया जाता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए। प्रोसेसर और डेटा रजिस्टर होता है जिसमें डेटा इनपुट और आउटपुट वाले डेटा को स्टोर किया जाता है। और इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर भी होता है, साथ ही साथ एक्यूमुलेटर होता है। तो एक्यूमुलेटर जो होता है उसमें डेटा की कैलकुलेशंस की जाती हैं। आपको पता है कि कोई भी डेटा अगर कैलकुलेट होने वाला है या प्रोसेस होने वाला है तो उसको एक्यूमुलेटर में शिफ्ट किया जाता है। तो रजिस्टर्स की बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि वो एक मेमोरी डिवाइस मेमोरी के लिए यूज की जाती है या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी फंक्शनैलिटी ये है कि वो सब बहुत ज़्यादा स्पीड काम करते हैं, यानी फास्ट काम करते हैं। तो हमें जहाँ पर भी स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। अगला टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो हमारे सीपीयू के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे फास्ट जो
पार्ट होता है या मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो सबसे फास्ट वर्क करती है, वो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर ही होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, और रजिस्टर जो है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप एंड गेट और नैंड गेट से मिलके बने होते हैं। कुल मिला के सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यानी कि ये वॉलाटाइल होती है। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये अपने डेटा को खो देती है। क्लियर है। सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, जो कि एक लॉजिकल लॉजिक रजिस्टर है, इसमें लॉजिक से स्टोर होते हैं। एड्रेस रजिस्टर, अगला नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट डेटा या इंस्ट्रक्शन हमको किस एड्रेस पर मिलेगा वो एड्रेस रजिस्टर बताता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, जहाँ पर हमको इनपुट डेटा मिलता है। एक होता है एक्यूमुलेटर। इस प्रकार से 6-7 नाम है, आप इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि किन किन टाइप्स के हमारे पास रजिस्टर्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो हमने एड्रेस रजिस्टर देखा था, वो एक प्रकार का दूसरी मेमोरी का एड्रेस बताता है। एक प्रकार से एड्रेस रजिस्टर को हम पॉइंट जैसा मान सकते हैं, यानी कि एड्रेस रजिस्टर एक पॉइंटर जैसा होता है जो दूसरी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करके रखता है, जो बताता है कि दूसरी मेमोरी हमको अगला जो डिटेल है वो इस मेमोरी लोकेशन पर मिलेगा। इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। द MRA इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर दैट कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा, यानी एक प्रकार से ये पॉइंटर होता है। हमने सी या सी प्लस प्लस वाली लैंग्वेज में जो पॉइंटर पढ़ा था, एक्चुअली पॉइंटर जैसा वर्किंग होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, जो डेटा खुद में तो नहीं रखता बल्कि एक ऐसा एड्रेस बताता है कि जहां पर हमको डेटा मिले। ऐसे रजिस्टर को हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, जहां पर हमको डेटा या इंस्ट्रक्शन मिलता है। द मेन टास्क ऑफ द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर टू एक्सेस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी इन द एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में मेमोरी और डेटा, सॉरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को हैंडल करने के लिए इस रजिस्टर का यूज किया जाता है। यानी कि एड्रेस रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, और एड्रेस रजिस्टर में हर लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद या हर ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें नया एड्रेस लोड हो जाता है कि नया इंस्ट्रक्शन कौन से लोकेशन पर मुझे मिलेगा। फिर वो लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर नया एड्रेस स्टोर हो जाता है। देन सीपीयू डेटा लेने के लिए एड्रेस रजिस्टर की मदद लेता है। एड्रेस रजिस्टर से उसको पता चलता है कि नया इंस्ट्रक्शन या अगला इंस्ट्रक्शन और अगला डेटा हमें कौन से मेमोरी लोकेशन पर मिलेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक लॉजिक रजिस्टर है। द प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। इसमें इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। क्लियर है। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर में इस टाइप की मेमोरी होती है। देखिए आपकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होगी। अगर मैं बताऊं तो आपके पास सीपीयू जो काम करता है वो इस तरीके से काम करता है कि ये आपका रजिस्टर्स के बहुत सारे सेट बने होते हैं। एक होता है डेटा रजिस्टर, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक होता है आउटपुट रजिस्टर, एक होता है इनपुट रजिस्टर, और एक होता है एक्यूमुलेटर। ये आपका एक्यूमुलेटर है और ये आपका प्रोग्राम काउंटर है। क्लियर। तो ये जो आपका डेटा रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पर आपका है डेटा रजिस्टर, ये है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये है आपका एक्यूमुलेटर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पर लिखा होता है एंटर ए नंबर। यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर
नंबर, तो ये एक्चुअली जब हम कोई नंबर इनपुट करते हैं, मान लीजिए इसमें हमने 5 दिया और दूसरा नंबर दिया 6, तो ये 5 और 6 कहाँ पर जैसे हम इंटर करते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में चला जाता है, 5 और 6, क्लियर है। तो ये डेटा कहाँ चला जाता है, इनपुट रजिस्टर में। जैसे ही हम इनपुट देते हैं ना, तो ये डेटा जो है, इनपुट दिया हुआ डेटा जैसे प्रोसेसर में जाता है तो वो इनपुट रजिस्टर में चला जाता है। इनपुट रजिस्टर में जाने के बाद फिर ये इनपुट रजिस्टर में जाने के बाद अब प्रोसेसर जो है या माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, इस इनपुट रजिस्टर से डेटा को शिफ्ट करता है आपकी डेटा रजिस्टर पे लाइन बाय लाइन। जैसे मान लो अभी दो नंबर्स आए थे और दो नंबर पहले आए थे और अभी इन नंबर्स का एग्जीक्यूशन होना है, तो इनको शिफ्ट कर देगा डेटा रजिस्टर में। और इनके साथ जो इंस्ट्रक्शन आया था, मान लो इनका एडिशन करना है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड होगा, तो इंस्ट्रक्शन जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद जो दोनों को एडिशन करना है, इसके बाद डेटा रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में शिफ्ट किया जाएगा 5, यहाँ पर 5 लिए, और डेटा रजिस्टर से ही हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे आपका 6 एक्यूमुलेटर में ही। तो 5 और 6 जो है वो ऐड होकर के यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 11, और इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा आउटपुट रजिस्टर में। तो जब भी हम यहाँ पर आउटपुट रजिस्टर में 11 शिफ्ट हो गया, तो ये जब हम यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, जैसे सी की बात करूँ परसेंट डी, और यहाँ पर मैं परसेंट डी में लिखा ए की वैल्यू या सी की वैल्यू, तो सी में जो भी एड्रेस होता है इसके अंदर आउटपुट रजिस्टर के अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं और कई सारे प्रोग्राम्स इसमें एग्जीक्यूट होते रहते हैं, एक एक ब्लॉक में एक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है। तो 11 नंबर का जो आउटपुट है वो किस प्रोग्राम के लिए है, इसका एड्रेस सी के पास होता है, इसका नाम मैंने सी रखा है। तो ये सी जो है यहाँ से डेटा को फिर स्क्रीन पर भेजता है और यहाँ पर आउटपुट आता है आपका 11। तो इस प्रकार से रजिस्टर्स में वर्किंग होती है, यानी कि एक प्रकार से जो एक माइक्रो कंट्रोलर है या जो प्रोसेसर है वो स्क्रीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, उसके लिए डेटा इनपुट देने का काम करता है डेटा रजिस्टर। यानी अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा हूँ और मैं डेटा को कैलकुलेट कराना चाहता हूँ, तो मुझे ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि मेरे फॉर्म से डेटा डेटा रजिस्टर में कैसे जाएगा। डेटा रजिस्टर में जाने के बाद एक्यूमुलेटर उसको ले लेगा और वहां पर कैलकुलेशन चालू हो जाएंगी। जब तक मैं डेटा रजिस्टर तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं डायरेक्ट एक्यूमुलेटर पर अपने डेटा को नहीं पहुंचा सकता, जबकि काम जो है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर पर ही होता है। तो मुझे अपने फॉर्म से, अपने स्क्रीन से, अपने मोबाइल स्क्रीन से कोई भी डेटा जो एक्यूमुलेटर तक पहुंचाना है, कई सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है। इनपुट रजिस्टर्स में जाते हैं, फिर वो डेटा रजिस्टर में अलग होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, यानी जो प्रोसेसर होता है उसको पूरी दूसरे डिवाइसेस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डेटा रजिस्टर से डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन लेता है और आउटपुट निकाल के आउटपुट रजिस्टर में भेज देता है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम काउंटर होता है, यानी कि एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद, यानी एक इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ये प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा, यानी डेटा रजिस्टर में भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनपुट रजिस्टर में भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो कौन से रजिस्टर से मिलेगा, और प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से आपको मिलेगा, ये वाले से डेटा यहाँ से मिलेगा और इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलेगा और आउटपुट यहाँ पर देना है।